अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ठीक हूँ पापा, आप जाकर आराम करें। आप ही अब कब आएंगी? मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगी पप्पो के साथ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगी। जी आप ही, लेकिन मुझे आपके पास आना है। खाला अब बस करें ना, रहने दें। वैसे हद है अम्मी, इस घर में पहले लोग कम थे जो एक और मुसीबत को उठाकर ले आई हैं आप। मैंने मकान दिखाना है पार्टी को, जो रेट लगेंगे सबके सामने होंगे। हमने कौन सी दो नंबरी करनी है, सबका बराबर का हिस्सा होगा। हेलो चची। हेलो अभी अभी अभी। हाँ बोलो आदिया। मुझे यहाँ पे नहीं रहना अभी, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। तुम परेशान मत हो हादिया, मेरी बात हो गई है, हम तुम्हें जल्दी लेने आएंगे। यहाँ नहीं रहना अभी, अभी मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज आप मुझे ले जाएं यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन पकड़ने की, कैसे हिम्मत हुई? चची चची वो चुप कर। अरे इतनी सी है, अजाब हमारे सर पे आके बैठ गई है। मां बाप मर गए, कलमो ही हमारे पीछे छोड़ के चले गए। नहीं चची चुप कर, मैंने कहा आवाज आगे से नहीं निकाला कर। हादिया और शर्म नहीं आ रही, मेरे कमरे में घुसकर चुगलियां कर रही है और वो भी मेरे फोन से। खामोश। मैं देख अब देख मैं तेरा हाल क्या करती हूँ, तू देखती जा, चल यहाँ से, चल जा यहाँ से, चल जा। बड़ी आई इतनी सी है और हरकतें देखो जरा, सारा दिमाग खराब करके रख दिया। जब से हमारे घर में आई है मुसीबत अजाबी हो गई है। पप्पो, वो हादिया की कॉल आई थी, चच्ची उसे बहुत डांट रही थी। चच्ची को उसका ख्याल रखना चाहिए ना, वो इतनी छोटी है, अब्बा ने आज तक उसको इतना नहीं डांटा है, वो कैसे डांट सकती है उसको इस तरह? उसकी इतनी रोने की आवाजें आ रही थी, वो अकेली हो गई है तो वो ये करेंगी। कैसे समझाऊं बेटा तुम्हें, बच्चे ऐसा ही करते हैं। तुम बार बार फोन करना बंद करो वरना इसी तरह परेशान होती रहोगी। पप्पो मैं आपको कैसे समझाऊं, वो उसको बहुत डांट रही थी, हो सकता है मारते भी हो। क्यों मारेगी, मैं मान नहीं सकती, वो सख्त जरूर है लेकिन मारपीट नहीं करेगी, उसकी भी तो बच्ची है। हादिया उसकी बच्ची की तरह है। पप्पो मैं कुछ नहीं जानती, आप मुझे हादिया से मिलवाने ले चलें प्लीज। मिलवा दूंगी, करूंगी फोन शुजात को, तुम अपना रोना धोना तो बंद करो। पप्पो लेकिन चच्ची को तो देखें पहले। अरे बोला है ना, बात करूंगी शुजात से, पता चल जाएगा क्या बात है। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, यूं हलकान मत हो, समझी? जाओ जाके अपनी पढ़ाई करो, चलो निकलो यहां से। हेलो, कब से फोन मिला रही हूँ तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी?
पूरा दिन यही काम रह गया मेरा, फोन है कि अजाब है, बचता ही रहता है। मैंने तो अभी फोन किया है आमना। हाँ हाँ, हम गरीबों को कौन फोन करता है, खबर लेने की तो तौफीक होती नहीं कि हम प्यासे हैं भूखे मर जाएं भले। अब क्या नई मुश्किल आन पड़ी? अब एक मुश्किल हो तो बताऊ ना। मुश्किलें तो आती हैं और चली भी जाती हैं। सबर शुक्र अदा किया करो। मैं कह रही थी कि हादे का ख्याल रखा करो। फोन करती है सबा को और सबा आके मुझे परेशान करती है। पता था मुझे कि शिकायत लग गई होगी, और कैसे ख्याल रखूं मैं? अरे घर में रखा हुआ खा पी रही है, लेकिन इस बच्ची को तो सबर ही नहीं है। देखो यतीम बच्चियां हैं ये, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो और कैसे रखूं समीना, आप ही ख्याल। बस मैं ये कह रही थी कि उसे डांटा मत करो। तो किसने डांटा? अच्छा तो अब झूठे इल्जाम भी मुझ पे लगने लग गए। कसम ले लो अगर मैंने उसको डांटा भी हो या कुछ कहा भी हो, अरे उसकी उम्र की तो मेरी अपनी बेटी भी है, मैं ख्याल नहीं रखूंगी उसका। मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना कि तुम चच्ची हो, प्यार से बात किया करो। हाँ हाँ, तो आपके कान तो भर दिए ना किसी ने और आपने बात मान ली। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं किसी की बात नहीं मानी। सब समझती हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ मैं, अब तो यही ताने सुनने पड़ेंगे हमें। अरे मैंने कौन सा ताना दे दिया? ताना नहीं दिया, लेकिन फोन करके बातें तो सुना रही है ना मुझे। मैंने ऐसा क्या बोल दिया है आमना तुम्हें? हाँ हाँ, सोने की कान खुद रख ली और बच्ची हमें थोप दी के पालो। क्या मतलब है इस बात का, क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ हाँ, आप तो जैसे बच्ची बन रही हैं, सारा कुछ तो सबा का है ना, वही सारा आपके हाथ में आएगा। हमें पकड़ा दी छोटी जिसके आगे कुछ नहीं है। देखो आमना, अब तुम बिल्कुल गलत बात कर रही हो। हाँ हाँ, कभी बच्चे पाले हो तो आपको पता हो ना, और वैसे भी शुजात आ जाता है आपकी बातों में, मैंने नहीं आना वाना। आमना ये तुम ज्यादती कर रही हो। सुनाए सुनाए, मुझे ही सुनाए बातें, शोहर तो मेरा सुनता नहीं, तो आप ही सुनाएंगी मुझे बातें। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें फोन कर दिया मैंने। तो मुझे फोन करके तो गलती कर दी, ऐसा करे अपने भाई को फोन कर ले, उससे शिकायतें लगा दे, क्योंकि सारी जिंदगी आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही तो की है और ऐसे ही करते रहेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा है तुमसे, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हादिया को अगर नहीं रख सकती तो उसे मेरे हवाले कर दो। जब सबा रह सकती है तो हादिया को भी हम पाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा करने से ताकि लोगों को आप बताओ कि जी मैं अच्छी हूँ, चाची अच्छी नहीं है, चाची ने निकाल दिया बच्ची को घर से, सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती हो ना आप समीना आपी। मैं भी सब जानती हूँ कि किस चक्रों में कर रही हैं आप। इन बच्चियों के लिए कर रही हूँ, मेरे भाई की बच्चियां हैं, मेरा खून है इसलिए। हाँ बस रहने दो, खून है मेरा, ये सारा जायदाद का चक्कर है। बस अब बहुत हो गई, बकवास बंद करो अपनी। हाँ हाँ, तो आप बंद कर दो, मुझे भी शौक नहीं है आपसे बात करने का। तिहाई बदतमीज औरत है। क्या हुआ बेटा, अब तक सोई नहीं? खाला नींद नहीं आ रही। चलो बेटा, बहुत रात हो गई है ना, चल कर सो जाओ। अच्छा शाबाश।
कप चाय बना दो जरा। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? जुबैर, बच्चों के मामले में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या मतलब, क्यों क्यों? मुझे लग रहा है कि हादिया को शुजात के हवाले करके हमने ठीक नहीं किया। फोन किया था मैंने हादिया का ख्याल रखने के लिए। अच्छा, तो हादिया बहुत छोटी है, उसका ख्याल रखना चाहिए ना उन्हें। हाँ बिल्कुल, तो भाई वो बड़ी हो, बड़ी जिम्मेदारी से निभा रही हो। मैंने हादिया का हाल पूछने के लिए उन्हें फोन किया था, उन्होंने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। तो फोन ही क्यों किया? सबा को परेशान देखा तो फोन कर लिया मैंने, ऊपर से जल्लीकट्टी सुनाने लगे, जायदाद के ताने देने लगे। ओहो, तुम्हें क्या पड़ी थी जायदाद का जिक्र छेड़ने की? मैंने कब है ना जिक्र छेड़ा है जायदाद का? वो खुद ही कहने लगी कि तुमने रख ली सारी जायदाद। भाई जायदाद तो बच्चियों की है। बच्चियों की तो है, मकान के कागजात अभी तक सबा के नाम पर हैं, ये उनको नहीं पता। उनकी नीयत तो जानती हो ना तुम? जानती हूँ, इसीलिए तो शोर कर रही हूँ। बाकी की चीजें तो रख ली थी ना तुमने? रख ली है, सब कुछ लॉकर में सेव कर दिया है, लेकिन प्लॉटों की फाइल तो नहीं है ना। हैरत हो रही है, ये तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया, और फिर इन प्लॉटों का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? भाई जो तफसील लिखी थी वो मैंने जहूर भाई के हवाले कर दी थी। क्या हो गया सबीना, अगर फाइल ना मिली तो क्या करेंगे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो तुम पूछो सबा से, उसे पता होगा कि कुछ बाकी तफसील भी है जायदाद की। लेकिन जुबैर, अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह पूछना उससे। तो चलो मैं सभा से खुद पूछ लूंगा अपने तरीके से। भाई अगर पंचायत बैठ गई तो क्या जवाब देंगे? मुझे तो हादिया की फिक्र खाए जा रही है जुबैर। किन चक्करों में पड़ रही हो तुम? और सभा को मना करो, वो बार बार फोन ना किया करे, और तुम भी ना करना। जाओ जाके चाय बना के लाओ, मुझे सर में दर्द हो रहा है बहुत शदीद। जी हाथों में तेरे जान नहीं है? दो बर्तन भोले धोने के लिए, वो भी तेरे हाथ कांप रहे। वैसे तो फोन पे बड़ा चुगलियां करती है। धो रही हूं चाची।
इतनी मासूम बनने की ना जरूरत नहीं है। फोन पे तो बड़ी चबड़ जबान चलती है तेरी, और सारी बातें अपनी आप ही को बता रही थी। बर्तन धो और सहन का झाड़ू भी लगा देना। जी चाची। देखो तो आवाज ही नहीं निकल रही, जरा जोर से बोल। जी चाची। हाँ अब सुनाई दिया ना, जी चाची। चल बर्तन धो और चमकाना पूरे बर्तन, समझी ना। आदिया बेटा आप कमरे में जाओ। हाँ हाँ जाओ, चाचा की मोहब्बत तो बढ़ रही है ना। अब तुम बर्तन धुलवाओगे इससे? तो और क्या करूं, बच्ची है, पराए घर जाना है, घर के सलीका तो आना चाहिए ना, वही सिखा रही थी। आमना क्या कर रही हूँ, दो चार बर्तन खुद नहीं धो सकती तुम? सारी जिंदगी बर्तन ही तो धोए और भूख काटी है। तुम्हारे पास इस शिकायत के अलावा कुछ और है? घर में आती शुरू हो जाती हूँ। तो शिकायत नहीं करूं तो और क्या करूं? अरे जब से शादी हुई है दो वक्त की रोटी सुकून से नहीं मिली है, ऊपर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी लाके खड़ी कर दी मेरे सर पर, ऊपर से रोज फोन पर बातें भी सुनो उनकी मैं, जाओ जाके पैसों की बात करो उनसे। कौन से पैसे? लो जी जो पैसे इसके मिलने वो कब मिलेंगे? कैसी बातें कर रही हूँ आमना? सजू जो इनके हिस्से में पैसे आने वो पैसे मिलने तो है ना, जाओ जाके बात करो। चुप करो, सुन लेगी वो अंदर। सुन ले। डरते होगे तुम, मैं तो बोलूंगी डंके की चोट पर, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लोग अपने घर में याचियां करें और हम अपना पेट काट काट के उसको पालें। दो वक्त की तो रोटी खाती है, जब वक्त आएगा मिल जाएंगे पैसे। लंगर खाना खोल के रखा है हमने, अगर तुम नहीं गए ना बात करने तो मैं खुद जाऊंगी बात करने, और अगर मैं चली गई ना तो हलक से निकलवा लूंगी पैसे उनसे। झगड़ा करोगे जाकर? झगड़ा? मैं तो पूरा मैदान सजाऊंगी झगड़े के लिए, जो हादिया का हिस्सा है ना वो निकाल कर ही रहूंगी मैं। शजू तुम जिस हाल में मुझे ले आए हो ना, अब देखना इसके जरिए मैं अपने घर के हालात बेहतर करूंगी, देखते जाओ तुम, बस तुम चुप रहना। आमना तुमसे बात करना ही फजूल। सच बात करूं तो आग लग जाती, बात करना फजूल है। बढ़िया आपी, अब तो फोन पे भी बात नहीं हो पा रही है, आपने आने का बोला था। आऊंगी, मैंने पप्पो से बात की है, फिर हम दोनों मिलके हादिया के घर चलेंगे। कसम से आप लोगों की इतनी याद आती है कि नींद भी नहीं आती। सारा मुझे भी बहुत याद आती है, ऊपर से हादिया के बारे में सोचकर दिल बहुत परेशान होता है। प्लीज आप आज ही आ जाएं, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे भूल जाएंगी। नहीं भूलूंगी, कहा ना आऊंगी, बाद में बात करती हूँ। आप ही सुने तो। सबा बेटा तुम उन दोनों को परेशान मत किया करो। पप्पो वो मेरी बात सुनो बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? जब मिलना होगा ना नसीब में तो मिल लेना, फोन पे बात कर लेती हूँ इतना काफी नहीं है? पर पप्पो आपने कहा था। कहा था मैंने, कुछ दिन सबर कर लो। तुम्हें पता है जुबैर ऑफिस में कितने मसरूफ है, और मुझे भी घर के बहुत से काम होते हैं। अब हम लोग जाएंगे तो दो तीन दिन तो लग ही जाएंगे ना। पप्पो आप कहें तो मैं चली जाऊं? अकेले कैसे जाओगी बेटा, मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ। देखो बेटा कुछ दिन ठहर जाओ, वैसे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोले पप्पो। कहते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बेटा बात करना तो जरूरी है ना। देखो बेटा तुम्हारी सारी जायदाद का हिसाब किताब है मेरे पास, मगर वो जो 3 प्लॉट है ना उनकी फाइलें नहीं है,
तुम्हें पता है कहाँ है? मुझे नहीं पता पप्पू। याद करो बेटा, खावर तो तुम्हारे पर हर चीज रखवाता था। शायद उसने तुम्हें कभी कोई फाइलें दी हो। तुम पर बहुत एतमाद था ना उसे? नहीं पप्पू, अब्बू ने मुझे नहीं दी। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। पप्पू वो सारा और हाथी। सबा बेटा, हर बात की जिद नहीं करते हैं, समझी? काम तो ऐसे कर रही हो जैसे सारे घर का काम तुम ही करती हो। भाभी आपने ही बोला था। हाँ, और जो किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है वो कब साफ करोगी? जल्दी हाथ चलाओ। और हाँ, ये जो काम करती हो ना, मुझ पर एहसान नहीं कर रही हो। कर रही हूँ भाभी। ये जो तुम मीठी बनने की एक्टिंग करती हो ना, ये मेरे सामने तो मत किया करो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम अंदर से कितनी चालाक हो। भाभी किचन का काम भी कर दूंगी मैं। दोपहर का वक्त हो गया है, जल्दी हाथ चलाओ, मुझे खाना भी बनाना है। समिया, समिया। कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें? हाँ, कितना काम करती हो, आराम भी कर लिया करो। जी अब्बू आए बैठे ना, मैं चाय बना के लाऊं आपके लिए। शाबाश बेटा, शाबाश। अबू आप ही समझाएं ना सारा को, सारा दिन काम करती रहती है, जिद करती है मुझसे कि मैं काम करूंगी। ओहो, तो इतना दुख होता है बेचारी पे, इतनी सी उम्र में यतीम हो गई है। अरे क्या कह रही हो, हम हैं ना इसके सब कुछ। जी मैं चाय बना कर लाती हूँ अबू आपके लिए। अच्छा अच्छा, सारा बेटी, वो रात में तुमसे वो जो बात हुई थी उसके बारे में सोचा कुछ तुमने? मतलब ये कि जो तुम्हें पता है वो बताओ। खालू मुझे कुछ पता होता तो मैं आपको जरूर बताती थी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो, तुम सबा को फोन करो, ठीक है? उससे पूछो वो जो तुम्हारे नाम प्लॉट है ना, उसकी फाइल कहाँ रखी है, और वो फाइल उससे लेकर अपने पास रख लो बस। खालू शायद सबा आपी को भी पता नहीं होगा। पहले फोन तो करके पता करो पहले से ही, मतलब भाई देखो तुम्हारे नाम प्लॉट है तो उसके कागज भी होंगे, है भाई, पर वो मालूम करो, ये पूछ कर बताओ मुझे बस। जी खालू। अच्छा ये तुम ये सारे काम क्यों करती हो? अरे ये तुम्हारे काम नहीं है, ये नौरीन के काम है, उसे आदत है इन कामों की भाई। हाँ हाँ, तुम नहीं करना पाइंदा काम, ठीक है? और सुनो बेटी, मैं अपने कमरे में हूँ, चाय मुझे वहां भिजवा देना, ठीक है? अरे मेरा बच्चा, शाबाश शाबाश। आपी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी सारा, तुम्हें कॉल करनी थी मैं भूल गई। आपी आपने तो आने का कहा था। कुछ काम था इसलिए नहीं आ सकी, लेकिन तुम फिक्र मत करो,
मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आऊंगी मिलने। पता नहीं आप ही कब आएंगी आप। फोन पर तो बात हो जाती है ना सारा। तुम्हारी आवाज सुनती हूँ तो दिल को सुकून रहता है। आप ही क्या अब हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे? ऐसी बातें क्यों कर रही हो पागल? हम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। आप ही मैं आपको बता नहीं सकती मुझे हादिया कितना ज्यादा याद आती है। मुझे भी बहुत याद आती है हादिया की। आप ही मेरी तो उससे बात तक नहीं होती। पता नहीं किस हाल में होगी वो। ठीक है, वो मेरी बात हुई थी उससे। आप ही वो मैंने एक काम के लिए फोन किया था। हाँ बोलो। वो जफर खालू ने कहा था कि जो मेरे नाम पर प्लॉट है ना उसके कागजात कहाँ हैं? वो कागजात मेरे पास नहीं है सारा। मैंने भी यही बोला था पर वो बार बार बोल रहे थे कि सब आप ही से पूछो। अच्छा मैं देखती हूँ सामान में, अगर मुझे मिलते हैं तो मैं बता दूंगी। सारा अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगी। जी आप ही। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। आप तुम भी रो रही हो, कल भी रो रही थी। तुम्हारा रोना जो है ना वो मेरा दिन अच्छा नहीं कटता, बहुत बुरा दिन कटता है। मत रोया करो। रो क्यों रही? वो सारा की कॉल आई थी, काफी टाइम हो गया उसको देखे हुए। बहुत याद आ रही है मुझे उसकी। तो इसमें याद करने की क्या बात है भाई? रोने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें मिलवाने ले चलता हूं। आप ले जाएंगी मुझे? तुम्हारे हां करने की देर है। तुम जहां कहोगी ले जाऊंगा। मैं तो कब से चाह रही थी। अरे तो पहले ही बोल देना था ना, क्यों नहीं बोला? पप्पा हम ऐसा करते हैं, हम आज ही चलते हैं। आज? आज कल कल चलते हैं। मैं तुम्हें मिलवाने ले चलूंगा। तुम अपनी बहन से जी भर के मिलना, जी भर के मिलना, जितनी देर चाहे मिलना। उसके बाद हम बाहर निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे हा? और मैं तुम्हें फिर सी व्यू ले चलूंगा, जहां तुम्हारा दिल हल्का भी हो जाएगा। हल्का कर लेना दिल। नहीं पप्पा, मैं सिर्फ सारा से ही मिलने जाऊंगी। हाँ ठीक ठीक, हाँ सारा मैं तुम वहां ले चलूंगा, उसके बाद हम घर आ गए। हाँ सही है ना? हाँ जुबैर। हाँ? आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? अब मैं जा ही रहा था, वो फिर मैंने सोचा कि वो सभा से पूछ लूं, वो उसको कॉलेज जा रहा हूँ छोड़ दूं। सभा की तो छुट्टियां हैं कॉलेज की। हाँ वो उसने भी मुझे बताया, पर मैंने सोचा कि ख्याल रखना तो जरूरी है ना। ख्याल तो हमें रखना पड़ेगा। ये रो रही है अभी तक, रो जा रही। मैंने इससे कहा मैंने कि भाई अगर सारा से मिलना है तो मैं मिलवा कर ले आता हूँ। जुबैर ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तुम जाओ ना, जुबैर के साथ चक्कर लगा कर आ जाओ ना।
नहीं पप्पो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। मर्जी है, फिर किसी और दिन चली जाएगी, यहाँ इसका दिल लग रहा है, है ना? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कितना जिद कर रही थी जाने के लिए, अब क्यों नहीं गई इनके साथ? वो दरअसल मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं बाद में चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अजीब लड़की है ये भी। मत रो हादिया, मुझे बताओ क्या बात है। मुझे मुझे अम्मी अब्बू की याद आ रही है, और आप ही की भी, घर के भी बहुत याद आ रही है। हादिया, कल जब मैं स्कूल जाऊंगी ना, तो तुम भी चलना मेरे साथ, फिर हम कल आप ही से मिलकर आ जाएंगे। सच बोल रही हो? मिलवाओगी मुझे आप ही से? किसको किससे मिलने की बात हो रही है?